आज हम आप लोगों को सिखाएंगे टंगी कैसे डालते हैं, टंगी की सिचुएशन पोजिशन कैसे आती है, या सगैक भी बोलते हैं उसको, सगैक या टंगी बोल देते हैं अपने देशी भाषा में। ये पोजिशन कैसे आती है, जब हम एक पहलवान के ऊपर बारंदाज लगाते हैं, बारंदाज लगाएंगे ये गए, ये बारंदाज नहीं लगाया तो ऑटोमेटिक ये पैर नीचे आ जाता है, और इसी का फायदा उठाते हुए अपना अंक बढ़ाया, अपने पैर में अपनी लचक के और ये घुटना सीधा, और पेट का प्रेशर इसकी कमर पे डाल दो ताकि आगे से ये उठे ना, और मुंह पे पट्टी लेके और डाली या होल्ड करेंगे रोकेंगे। कैसे आती है टंगी की सिचुएशन, ये बारंदाज गई नहीं लगी, ऑटोमेटिक टांग डल गई, ऑटोमेटिक टांग डल जाती है नीचे टंगी के लिए, और ये यहीं से ये उपड़ाया, ये अपना पंजा, अपना पंजा इसके अपने दूसरे पैर की लचकड़ी में घुटने के पीछे, और ये प्रेशर डालते हुए ये डाई यहाँ से। दूसरी सिचुएशन यहाँ से आती है, ये पहली तो बताई बारंदाज की पोजीशन लेते हैं, बारंदाज मारते हैं नहीं लगती तो ऑटोमेटिक टंगी की सिचुएशन आ जाती है। दूसरी या ऊपर ग्राउंड में होते हैं तो पीछे से पैर पकड़ा और वही सेम काम अपनी लचकड़ी पे, फिर देखें पीछे से पैर पकड़ा अपनी लचकड़ी पर रखा इसको ये इधर, तीसरा यहाँ से जब एक पहलवान नीचे होता है ऊपर वाला ये दबा के रखो कंट्रोल इसको ताकि ये उठे ना, अगर ये तो प्रेशर नहीं होगा तो ये उठ जाएगा, इसलिए यहाँ इसको दबा के रखो, ये पंजा उठाया, ये पंजे ये गट्टा पकड़ो या पंजा पकड़ लो, उठाओ, उठाते ही तुरंत घुटना नीचे, दूसरा घुटना नीचे ये क्रॉस, और ये पैर फिर वहीं से अपने ओक बना लो और मुंह पे पट्टी ये उठा के रखो, इसको होल्ड करो दबाओ, देखें इसको ये पकड़ा घुटना नीचे, तुरंत घुटना नीचे और दूसरा घुटना ये आगे बढ़ते हुए, प्रेशर यहाँ से खत्म नहीं करेंगे दबा के रखेंगे, और ये अपनी लचकड़ी पे और ये मुंह पे पट्टी, ये हाथ सपोर्ट के लिए रखेंगे, अगर ये नहीं रखेंगे तो ये पट्टी मारेगा तो गिर जाएंगे उधर की साइड, इसलिए इससे बैलेंस बना के रखेंगे। अगर आपको हमारी रेसलिंग से रिलेटेड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।